Now we will study about last topic of this chapter, the living world. This is your taxonomic key. And taxonomic key ke baad means of recording description, ये भी एक identification का part है, ये देखेंगे, right? और इसे में हम पढ़ते हैं flora के बारे में, manuals के बारे में, कैटलॉग्स के बारे में और मोनोग्राफ के बारे में. बट उसके पहले हम टैक्सोनॉमिक की के बारे में पढ़ेंगे. वर्गीकृत कुंजी बोलते हैं. देखो बड़ा कॉमन टर्मिनोलॉजी है टैक्सोनॉमिक की. की का मतलब चाबी, चाबी का मतलब कोई ताला है जिसको खोलना है. ताला इज अ प्रॉब्लम, चाबी इज द सोल्यूशन, की सोल्यूशन है. ठीक उसी प्रकार से जब हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं तो हमें बहुत तरह के इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन होते हैं जिसको जानते ही हम चीज़ों को समझने लगते हैं, राइट? जैसे चलो एक एग्जांपल ले होता हूँ. अब याद करो बड़ा फिल्मी दौर है, बड़ा कॉमन बोलता है जब कोई हीरो आपको बोलता है किरण, हाँ सही पहुँचाना शाहरुख खान. जब कोई बोलता है खामोश, आप सोचते हो बिहारी बाबू आ गए शत्रुघ्न सिन्हा. क्या देखा आपने? एक वर्ड से आप किसी एक व्यक्ति विशेष को पहचानने लगते हो. ठीक उसी प्रकार से हम चाहें तो किसी प्लांट्स को, किसी एनिमल को यदि हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक से हम पहचान सकते हैं. तो वो कैरेक्टर जिसको जानते ही, देखते ही, पढ़ते ही हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कंफर्म कर दिया कि ये तो यही एनिमल हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता, तो वो जो वर्ड है दैट वर्ड इज द की फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इधर प्लांट और एनिमल, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि ये टैक्सोनॉमिक की, टैक्सोनॉमिक की आखिर है क्या, राइट? तो आइए इसके बारे में जाने कि ये है क्या. टूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये टूल है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, राइट? तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है. अ डिवाइस टू आइडेंटिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स based on their similarity and differences. इसी को हम taxonomic की बोल सकते हैं. अब आप समझे आप, ये क्या है? ये device है, टैक्सोनॉमिक डिवाइस है जो पहचानता है प्लांट्स को और एनिमल्स को. ये नीट में क्वेश्चन आया था, बच्चे गलत कर गए थे. क्वेश्चन आया था ये केवल प्लांट्स को पहचानता है, बच्चे पढ़ने में जल्दी कर गए और एनिमल को नहीं पहचाना, उसने देखा नहीं उसने, और गलत हो गया उनका. तो याद रखना है जब टूल यूज करते हो टैक्सोनॉमिक की, तो ये दोनों के लिए है, याद रखना है, प्लांट्स के लिए भी है और एनिमल्स के लिए भी है. खूब क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये केवल प्लांट्स के लिए, क्या ये केवल एनिमल्स के लिए है, या प्लांट और एनिमल के लिए, और हो गया हुआ तो कोई एक की बात हो रही. बिल्कुल गलत, ये दोनों की बात हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो टैक्सोनॉमिक ऐड है यहाँ पर दोनों की बात होगी, दोनों के बारे में चर्चा होगी. तो इसको हमें समझना है. नाउ आइए हम समझते हैं कि ये दोनों के बारे में बताएगा, तो सही बात है. तो ये है क्या? तो ये
refers an alternative trait to identify an organism. यदि हम किसी ऑर्गेनिजम्स को पहचानना चाहते हैं तो यहाँ तो बात है कि भाई हम सिमिलरिटी को देख के पहचान लेंगे या डिफरेंसेस जो आएगा उससे पहचानेंगे, लेकिन बिल्कुल क्रिस्टल के लिए पहचानना है तो भी इन्होंने एक रास्ता निकाला कि ये अल्टरनेटिव ट्रेट्स देगा, पहचान देगा, कैरेक्टर्स के बारे में बताएगा जो मदद करेगी आइडेंटिफिकेशन में किसके, ऑर्गेनिजम्स के. राइट नाउ अब ऑर्गेनिजम्स कर लिया, ये दोनों हो सकते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी. तो कैसे करें इसको, कैसे आखिर इसका काम शुरू किया जाए? तो मानते हैं कि जो टैक्सोनॉमिक की है ये एनालिटिकल नेचर का है. दो तरह के नेचर होते हैं, सिंथेटिक नेचर एंड एनालिटिकल इन नेचर. तो पूछा जाता है कि ये टैक्सोनॉमिक की क्या है, सो दिस इज एनालिटिकल इन नेचर. अब आप इसको समझे क्या बोलना चाह रहा है. एनालिटिकल का मतलब होता है कि हम तर्क के द्वारा, तार्किक तरीके से हम इसे बताते हैं कि ये कैरेक्टर के आधार पे कोई एक्स है या इस कैरेक्टर के आधार पे वाई नहीं है. तो बिल्कुल डिस्टिंगाइजिंग कैरेक्टर के द्वारा हम उसे कंफर्म करते हैं, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल इन नेचर. कितनी बार क्वेश्चन आया कि टैक्सोनॉमी की एनालिटिकल है या एनालिटिकल नहीं है. बिल्कुल ये एनालिटिकल है. कैसे एनालिटिकल है इसको हम समझ लें. कैसे, अब ये हम समझे कि ये जो टैक्सोनॉमी की है, राइट, ये टैक्सोनॉमी की कैसे निकालता है, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में कैसे चर्चा करता है, आइए इसको समझते हैं. तो अभी तक हमने चार बातें लिखी, फिर से रिपीट करूं कि ये की क्या है. एक टूल है आइडेंटिफिकेशन का, पहचानने के लिए किसी ऑर्गेनिजम्स को, पहला. दूसरा ये डिवाइस है, आइडेंटिफाई करेगा प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी उनके सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस के आधार पर. तीसरी बात है कि ये अल्टरनेटिव टेस्ट देगा ताकि हम कंफर्म कर सके एनालिटिकल तरीके से कि ये एक्स ही है, ये वाई नहीं हो सकता. ये कैसे करता है इसकी बात समझते हैं. तो एक और बात इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन बन के आती है और क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं कि बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है. एक और वो भी समझ लें, मानते हैं कि डिफरेंट टैक्सोनॉमिक की आर यूज्ड फॉर इच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ये कैटेगरीज कुछ भी हो सकते हैं, एट द रेट ऑफ फैमिली के लेवल पे हो सकता है, राइट ऑर्डर के लेवल पे हो सकता है, जेनस के लेवल पे हो सकता है, ईटीसी किसी लेवल पे हो सकता है, राइट. सो डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कीज आर यूज फॉर इच टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, राइट, कैटेगरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन. बार बार एक चर्चा हो रही है कि इसका काम जो है वो किसके लिए है, आइडेंटिफिकेशन के लिए है, पहचानने के लिए है. आइए अब इस चीज को समझे क्या कहने का मतलब. इन्होंने ये कहा कि भाई यहां पे एनालिटिकल नेचर है, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, अल्टरनेटिव ट्रेट्स से पहचानेंगे, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, और तीसरी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिफरेंट टैक्सोनॉमिक की आएगा. अब इसको आप ऐसे समझ लो, सपोज करो यदि आपको पोटैटो के बारे में समझना है तो पोटैटो की फैमिली क्या हो गई, सोलेनेसी.
अब सोलनेसी के बारे में जो जो कैरेक्टर्स बताए जाएंगे, याद कीजिए आपने पढ़े हैं वीट, गेहूं, और गेहूं की फैमिली को क्या बोलते हैं? पोएसी। तो पोएसी जो है वो मोनोकॉट है, नो ये मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट का कैरेक्टर अलग होगा, डाइकॉट का कैरेक्टर अलग होगा। तो ये दोनों जो हम देखें, ये दोनों की कैटेगरीज तो सेम है, ये दोनों ही फैमिली हैं, डिफरेंट फैमिली। एक मोनोकॉट की फैमिली है पोएसी, एक डाइकॉट की फैमिली है सोलनेसी। परंतु याद रहे इन दोनों के कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, इसलिए इनको पहचानने के लिए हम जो टैक्सोनॉमिक की यूज करेंगे, वर्डिंग यूज करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करेंगे, वो सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट होंगे। इसका मतलब टैक्सोनॉमिक जितने भी लेवल पे हम टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर की बात करें, ये मैंने फैमिली लेवल पे लिया है। अब यदि हम मान लो जेनस लेवल पे ले लें, जैसे अब ये ले लो, याद करो हमने पढ़ा था कि सोलनेसी को यदि हम याद करें तो हमने पढ़ा था, याद कीजिए, इसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि क्या क्या है, तीन अलग अलग जेनस है, याद आ रहा आपको? हमने पढ़ा था इसी में एक तो आलू वाला सोलेनम है, इसी में पेट्यूनिया है, याद आ रहा है आपको जेनस? और तीसरा जेनस हमने इसी में पढ़ा था धतूरा। तो तीन जेनस हैं, अब ले लें ये तीनों के तीनों जेनस हैं, जेनरा हो गए प्लुरल। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों यदि हम जनरल लेवल पे बात करेंगे तो सोलेनम का जो टैक्सोनॉमी की है वो अलग होगा, पेट्यूनिया की टैक्सोनॉमी की अलग होगी, और धतूरा की जो टैक्सोनॉमी की है वो भी अलग होगी। क्या देखा आपने कि भाई है तो एक लेवल जो कैटेगरी है वो सेम है, बट सेम लेवल पे उसकी की सेम नहीं है। क्या है उसकी की? अलग अलग है। तो क्या देखा आपने कि ये डिफरेंट टैक्सोनॉमी की आपने यूज करा, किसके लिए? हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए, ताकि आप सही से पहचान कर सको ऑर्गेनिजम्स का। लेबल फैमिली भी हो सकता है आपने देखा, लेबल जेनस भी हो सकता है आपने देखा। इस तरीके से डिफरेंट टैक्सोनॉमिक की यूज करना पड़ेगा ताकि हम इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अलग अलग सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। बस समझ गए आपको नाउ? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्रायः बच्चे रट्टा मारते हैं, कभी कभी यही दे देगा क्या डिफरेंट के बारे में रहेगा, सेम टैक्सोनॉमी की स्टेटमेंट बताओ गलत है या सही है। क्वेश्चन रहेगा क्या इच कैटेगरी के बदले में रहेगा, कुछ और बातें लिख दी जाएंगी कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, लैंग्वेज कुछ भी होगा आपको चीजों को समझ लेना है। नाउ ये तो मैंने अभी बेसिक बताया, अब आइए बात करते हैं कि हम कैसे की को यूज करेंगे, की को यूज करने का तरीका क्या है। तो टैक्सोनॉमिक की को यूज करने के लिए दो इंपॉर्टेंट टूल्स दिए गए हैं, एक लीड है और दूसरा होता है कॉपलेट। आइए उसको समझते हैं। अब हम बात करेंगे लीड के बारे में और कॉपलेट के बारे में। ये क्या होता है कॉपलेट एंड लीड? लीड बोलते हैं कि इच स्टेटमेंट ऑफ कॉपलेट, कॉपलेट के हर स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? लीड बोलेंगे। तो फिर कॉपलेट क्या है? तो मानते हैं कॉपलेट क्या है भाई, तो चॉइसेस मेड बिटवीन टू ऑप्शंस, चॉइसेस मेड बिटवीन द टू ऑप्शन, दो ऑप्शन होंगे, उस दो ऑप्शन में जो चॉइस दिए गए हैं
उसी दोनों ऑप्शन के च्वाइस को क्या बोलेंगे, कॉपलेट बोलेंगे, राइट। अब ये जो कॉपलेट है ये क्या देता है, तो मानते हैं ये क्या देता है, ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देगा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्ट करने के लिए। अब लेंथ है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, शॉर्ट है, कलर लिया आपने, कोई व्हाइट है तो कोई ब्लैक है, राइट। तो जो ट्रेट होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, उन दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बताई जाएगी। यहां भी वही लिखा कि जो दो एस्पेक्ट्स हैं, बिटवीन टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस होंगे। अब ये जो दो ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन आपको क्या होगा, सेलेक्ट करना होगा कि हाँ ये सही है। जो सेलेक्ट कर लेंगे वही क्या होगा, ये इसकी एक्सेप्टेंस बनेगी। क्या बनेगी, एक्सेप्टेंस। ये आपने उस आधार पर सेलेक्ट कर लिया। अब एनिमल और प्लांट है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको आप देख के बोलोगे ग्रीन है और एक ग्रीन नहीं है, तो आप बोलोगे ग्रीन है तो ये प्लांट हो गया, बस नॉन ग्रीन छोड़ो, आप ग्रीन है प्लांट हो गया, पहचान लिया आपने। तो ग्रीन का आना एक्सेप्टेंस है प्लांट के लिए, नॉन ग्रीन का होना एक्सेप्टेंस है एनिमल्स के लिए। ठीक उसी प्रकार से एक के लिए एक्सेप्टेंस होगा तो दूसरे के लिए वो रिजेक्ट करेगा, तो ये रिजेक्टेंस होगा, रिजेक्शन होगा। तो एक के लिए सेलेक्ट करता है तो दूसरे के लिए रिजेक्ट करेगा, मना कर देगा कि ये कैरेक्टर नहीं है, इस कैरेक्टर के आधार पर हम इस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट नहीं कर सकते, राइट। गुड, अब आइए बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या बोलने का है, तो लीड का क्या मतलब और कॉपलेट्स का क्या मतलब। हां, जैसे मैंने अभी कहा, आपने एक मान लो लेंथ लिया, तो हम जो एक लेंथ ले रहे हैं एक कैरेक्टर, अब इससे दो कैरेक्टर्स होंगे, एक बोलेगा क्या टॉल, दूसरा बोलेगा शॉर्ट या ड्वार्फ, राइट। तो ये यदि हमने सेलेक्ट किया तो ये क्या हो गया, खत्म हो गए, रिजेक्ट हो गया। तो ये एक्सेप्टेंस को बता रहा है और ये रिजेक्शन को बताया। तो ये दो एस्पेक्ट जो हैं एक करेक्टर के, इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, कॉपलेट बोलते हैं। और कॉपलेट का हर एक स्टेटमेंट, जैसे ये टॉल भी एक लीड है, इच स्टेटमेंट ऑफ कॉपलेट को क्या बोलते हैं, लीड। तो ये भी लीड करके आगे बढ़ेगा। मान लो अब टॉल तो है, टॉल में चेक करना है कि भाई जो व्हाइट होगा उसी की बात हम कर रहे हैं, अब इसमें हो सकता है एक ब्लैक हो, तो इसे रिजेक्शन हो गया, ये हमें नहीं चाहिए था, ब्लैक नहीं व्हाइट है, तो ये आ गया, ये एक्सेप्टेंस हो गया, हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या हुआ, इसके दो एस्पेक्ट हो गए, अब इस दो एस्पेक्ट का ब्लैक क्या हुआ, एक स्टेटमेंट हुआ, लीड कहलाएगा। तो इस तरीके से हम जब किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं तो ये अल्टरनेटिव ट्रेट्स लेके हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये कैरेक्टर हो सकता है या ये कैरेक्टर नहीं हो सकता। चलो एक और अच्छा एग्जांपल लेके इसको बढ़िया से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल कोट करते हैं इसको समझने के लिए। मान लो हमने लिया है फ्रॉग, ठीक है, हमने फ्रॉग लिया, हमने फिश ली, ठीक है, फ्रॉग लिया, फिश लिया, राइट। माइस ले लेते हैं, ठीक है, बर्ड्स लेते हैं, बैट लेते हैं, बैट लेते हैं, ठीक है, माइस करते, कैट ले लीजिए कॉमन एग्जांपल। हाँ, अब आइए, मैंने क्या किया, अब ध्यान से आप देखें, हमने 5n ऑर्गेनिज्म्स का नाम ले लिया, अब हमने पहचानना है इसको, भाई ये 5 के बारे में चर्चा करनी है।